आज मैं बॉम्बे स्ट्रीट वड़ा पाव बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी बॉयल्ड पोटैटो ले लिए हैं। इसको मैंने नमक डाल दिया था इसमें पहले, और अब बीच में से कट करके इसको मैंने 4 सीटी ले लिए, तो एकदम बॉईल हो गया ये आलू। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया हुआ है 1 कप, और इसके अंदर जो मैं बघार दूंगी, जो इसका मसाले लगेगा इसके अंदर, तो इसके लिए 2 इंच ही लिया हुआ है मैंने। जिंजर है ये, अदरक है, और मिर्ची मैंने 10 से 12 ली है हरी मिर्ची। मैं स्पाइसी खाती हूँ इसलिए आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। और मैंने एक अखा लहसुन का बंच लिया हुआ है, अखा जो लहसुन का जो बीज होती है वो मैंने लिया हुआ है। 10 से 12 मैंने करी लीव्स ली हुई है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून राई है, 1 टीस्पून जीरा है, ये जाएगा। और हाफ टी स्पून बघार देते टाइम मैं हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। और कोथमीर तो हम ऊपर से इसके अंदर डालेंगे, तो थोड़ा सा मैंने कोथमीर लिया हुआ है। और नमक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा इसके अंदर। और बैटर बनाने के लिए एटलीस्ट 1 ग्लास हमको पानी लगेगा, और ऑयल हमें फ्राई करने के लिए लगेगा वड़े। तो सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं, क्योंकि बैटर को थोड़ा रखना होता है साइड में, और बैटर थिक बनता है। तो यहाँ पे मैं बैटर बना रही हूँ, तो इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालो। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ, और इसका मैं थिक सा बैटर बना लूँगी। मैं 1 ग्लास डाल देती हूँ, आप चाहो तो स्पून से भी कर लीजिए, बट मुझे हाथ से आदत है करने की, मैंने काफी मरतबा इसको बनाया है। और थोड़ा पानी लगेगा, तो पूरा 1 ग्लास हमें इसमें पानी लगा हुआ है, 1 कप में 1 ग्लास पानी लगा हुआ है। और इसे अच्छे से हम इस तरीके से फेंट लेंगे अच्छे से। और इसका बैटर बना लेंगे, ऐसा बैटर बनाएंगे इसमें बिल्कुल भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ये बैटर, बट थिक होना चाहिए। वरना होगा क्या कि ये जब हम बड़े बनाएंगे, जो टिक्की बनाएंगे आलू टिक्की ना, तो उससे छूट जाएगा, निकल जाएगा। बस इस तरीके से हो गया ये, तो अब मैं इसे कवर करके एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। आप चाहो तो इसमें सोडा डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं इसको ऐसे कवर करके अब रख दूंगी। सोडा डालने से होता है ये कि तेल चूस लेता है, तो इसलिए मैं सोडा नहीं डालूंगी। और अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले पोंछ लेते, साफ कर लेते। ओके, अब मैं इसके अंदर ये जो जितनी भी करी लीव्स है इसको मैं साइड में निकाल देती हूँ, और इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से। ये जो मिर्ची है, अदरक है और लहसुन है, उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसको एकदम फाइन नहीं पीसना है, एकदम खरबूरा जैसे बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा जाड़ा थोड़ा मोटा वैसा। आप चाहो तो जो हमाम दस्ता होता है उससे भी आप इसको मैश कर सकते हो, बट अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा हाफ टी स्पून अभी ज़ीरा डाल दूँगी और पीसूँगी। हाफ टी स्पून मैं बघार देते टाइम डालूँगी, पानी अगर लगेगा तो आप यूज़ कीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि पानी यूज़ हो गया इसमें। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसा पीस लिया है, थोड़ा जाड़ा थोड़ा मोटा, तो अभी मैं इसको बघार देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है, गरम हो गया ये। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, और यहाँ पर कड़ी पत्ता और राई। अब इसके अंदर ये जो मसाला मैंने पीस ही लिया था हरा मसाला, वो पूरा मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। ये भून रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो हल्दी है वो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी इसके अंदर,
और इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसकी जो अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो नहीं चले जाती, या इसको एटलीस्ट 1 मिनट लगता है भूनने के लिए। तो अब ये मसाला अच्छे से भून गया है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे साइड में निकाल के रख देंगे हम। तो यहाँ पे जो मैंने आलू लिए थे उसको स्मैच कर लिया है और ये जो मसाला है ये मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ ये मसाला बहुत स्पाइसी है, आप चाहो तो मिर्ची कम कर सकते हैं। तो ये मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए आप। इसके बाद में सॉल्ट मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसके टिक्की बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है। अभी जो कोरिएंडर है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी अभी और इसकी टिक्की बना लेंगे। आप चाहो तो यही सेम स्टफिंग, आलू की स्टफिंग आप पराठे में भर के आलू के पराठे भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। दही के साथ में खाइए दही फिर उसके बाद में। तो अब ये मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हमें करना कुछ नहीं है, बस ये एक पोर्शन जैसा उठाना है, इसको राउंड करना है। आप चाहो तो राउंड भी बना सकते हो और अगर नहीं तो आप इस तरीके से इसको स्लाइस कर दीजिए। बस इस तरीके से इसकी टिक्की बना लीजिए, आलू की टिक्की, और फिर इसको हम बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो मैं ऐसी सारी बना लेती हूँ। तो अभी देखिए ये आलू की टिक्की बनके रेडी हो गई है। तो बस इस तरीके से अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए बेसन, बेसन में अगर आपको बबल्स दिखेगा दैट मीन्स कि ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अगर अगर नहीं आप फर्मेंट नहीं करना चाहते हो तो आप एक पिंच ऑफ सोडा जो होता है वो आप डाल दीजिए, मगर उससे होता ही है कि तेल बहुत चूसता है, तेल बहुत अंदर आ जाता है अपने वड़े में, तो इसीलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो अब ये हो गया है, अब बस करना क्या है इसको डिप करना है और उसको ऑयल में फ्राई करना है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो बस ये वड़े को मैं ऑयल में सॉरी बेसन में डिप करके ऑयल में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। बस इस तरीके से थोड़ा दूर दूर पे डालिए वरना चिपक जाएगा। वैसे तो कोई मैटर नहीं है, कुछ चिपक भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अपने आप ही पकने के बाद छूट जाता है। तो एक टाइम पे मैं 3 डाल रही हूँ बिकॉज कढ़ाई अभी छोटी है मेरी, सो दैट इज वाई। आप चाहो तो ज़्यादा भी, बड़ी कढ़ाई हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, बट याद रखिए बड़ा हम जब भी बनाते हैं तो हमारा जो बैटर होता है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, और अगर हम सैंडविच या फिर ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो पतला होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी से मैं अच्छा पकने तक एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद में मैं आपको वड़े दिखाती हूँ, ये कैसे फूल गए हैं अच्छे से। मैंने इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, तो भी अच्छे से फूल गए हैं। अब बस इसे अगर आप चाहो तो ये स्टेज पे निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना चाहते हो थोड़ा और इसको कलर देना चाहते हो तो भी ओके है, बट मेरे हिसाब से ये पक चुका है अच्छे से, तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ अभी और इसे वड़े के साथ सॉरी पाव के साथ हम खा सकते हैं।